बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबले एहतराम शौकत खान साहब, आपने आज इतनी बड़ी महफिल सजाई और इतने शॉर्ट नोटिस पे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और करम इलाही बंदियाल साहब को मौका दिया कि काफी मुद्दत बाद गोले वाली में आके हम लोगों ने आपके रूबरू बैठ के गुफ्तगू की। और आज मैंने नजर इलाही साहब की स्पीच भी सुनी, तो ये दोनों भाई बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। अब ये नहीं पता कि कौन सा बेहतर मुकर्रर है, ये अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाला इलेक्शन अभी कुछ दूर है, लेकिन हम लोगों ने उसका बंदोबस्त अपने ग्रुप की मजबूती, अपने दो एमपीएस के साथ चल के कैंपेन का आप लोगों ने ही हमें कहा, आगाज हमने कर दिया है। और आप सब ने ये देखा होगा कि जब हमने कल्लू की कैंपेन की तो एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वो कैंपेन थी, एमएनए ने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, उनका बड़ा करीबी कैंडिडेट था, लेकिन चूंकि हम सब एक थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे, पीएमएलएन का हर नुमाइंदा सर तोड़ कोशिश के साथ निकला था कि हमने ये सीट हमजा साहब को देनी है। और मैंने ये भी कहा वहां पे उस मीटिंग में कि जो भी माजी की बातें हैं मैं उन्हें भूल गई हूं, मैं उन्हें भूल चुकी हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो लीडर होता है उसको दूर अंदेश होना पड़ता है, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको जातियात से आगे बढ़ना पड़ता है, अपने अवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, तरक्की के लिए, आगे जाने के लिए, आपकी आवाज असेंबली में बनने के लिए, आपकी जो सहूलियात नहीं है उनको मुकम्मल करने के लिए। और उधर ये बात भी हुई कि अगर कुछ और जिलों में भी इसी तरह इत्तफाक होता तो हमजा साहब जो 20 महीने जिन्होंने कैद गुजारी और उनपे कुछ साबित नहीं हुआ उन्हें शायद वो न गुजारनी पड़ती, क्योंकि हमारे सिर्फ 8 से 10 एमपीए कम थे, नहीं तो हम वहां हुकूमत बना लेते। और मुझे भी ये सहूलत फराहम की गई कि अगर
मैं अपनी पार्टी तब्दील कर दूं तो टिकट मेरा होगा। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी रहूं। काला बाग का ये वतीरा नहीं है कि जब कोई कमजोर हो तो उसे हम छोड़ दें। एक दफा मेरे दादा मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग का एक दोस्त था जिसके साथ बाद में उनकी एक दुश्मनी या नाचाकी हो गई और चलती रही। और जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, मैं गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान बन गया हूँ, तो आज से तुम्हारी मेरी दुश्मनी खत्म रहेगी, यहाँ खत्म रहेगी। जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा और गवर्नर नहीं होऊंगा तो इट विल बी फेयर कि तब हम दोबारा, अगर तुम दुश्मनी मेरे से रखना चाहो तो हम तब शुरू करेंगे। और उस दौरान उन्होंने उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं दी। ये एक और बात थी कि वो मौसूफ जो है वो खुद 2 साल में अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो कोई उनकी कोई बीमारी होगी या उनकी तबीयत नासाज थी शायद। तो मेरे भाइयों, हम दोस्तों के दोस्त हैं और दोस्ती भी करना जानते हैं, दुश्मनी भी निभा सकते हैं और अपने साथियों का साथ आखिरी दम तक देंगे। मैं कहती हूँ हमारे जो मैनेजर्स हैं वो भी हमारे साथ ही दफन होते हैं, उन तक को हमने कभी नहीं छोड़ा। तो मैं इस बात की कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से कि इंशाल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मैं देख रही हूँ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ही आएगी। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने गई, वहां कोई और एमएनएस एमपीएस कुछ और लोग भी बैठे थे। उसके बाद हमारी एक अलग तफसीलन मुलाकात हुई, लेकिन जब हम इकट्ठे बैठे थे तो शहबाज शरीफ साहब को मैंने कहा कि यू आर अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर आज आप हुकूमत में होते तो ये कोविड जो वबा फैली हुई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, मैंने कहा कम से कम इसको आपने पाकिस्तान में खत्म कर लिया होता। तो वो कहने लगे कि आपके दादा बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे और मैं जो हमारा नेबरहुड है, अभी हम बॉर्डर करते हैं ना शौकत, मियां वाली को बॉर्डर करते हैं, हम वहां बोर्ड बंगले भी गए हुए हैं और नवाब साहब ने मेरे वालिद साहब को कहा था कि आप ये थ्रेशर वीट थ्रेशर्स बनाएं और वहां से हमने ये स्टील मिल के अंदर वीट थ्रेशिंग की जो फैसिलिटी है वो शुरू की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके वालिद साहब में मेरे दादा ने वो क्वालिटीज देखी और पहचानी होंगी, तभी यकीनन उन्होंने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और फिर जिम्मेदार के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी आई कि हमारे पास एक वीट थ्रेशर जैसी चीज आ गई और हमारी आसानी पैदा हुई जरात के शोबे में। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन कोई पीटीआई ने हमें नहीं हराया। इस इलेक्शन में हमारी अपनी पार्टी के अंदर कुछ नाचाकियां थी, कुछ नासमझी थी जिसकी वजह से हमें ये लॉस लेना पड़ा। और
मैंने सुना कि ये मजहर साहब आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं, आते गए और आते गए, और मैंने कहा शायद कहीं 50,000 पे रुकेगा या कुछ होगा तो हम फिर भी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक निकल सकते थे, लेकिन मजहर साहब आते आते बहुत पहले रुक गए। तो इंसान को जो सियासी घरानों से ताल्लुक रखते हैं लोग, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए, दे शुड हैव अ कैलकुलेशन कि आया ये टास्क मैं कर भी सकता हूं कि नहीं, और इसी तरह कुछ और लोग भी। लेकिन सबका हक है, इलेक्शन वो लड़ना चाहिए, उन्हें जिसकी ख्वाहिश हो वो इलेक्शन लड़े, एमएनए का, एमपीए का। ये जमहूरियत है, हमारी सोच जमहूरी है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों के पास एक पावर है। व्हाट इज दैट पावर? वो पावर है वोट डालने की, जो मेरे यूथ विंग पीएमएलएन का है। उन लोगों के लिए भी मैं ये खास बात करती हूं, दैट यू हैव टू सी, आपने देखना है कि आपके लीडर जो आप उस बूथ में जाके चुनेंगे उसका कैलिबर क्या है। जब कोई कहेगा कि ये खुशाब का एमएनए है, खुशाब का मिनिस्टर है, खुशाब का रहने वाला है, खुशाब वालों ने असेंबली में भेजा है, तो किसी किसी को मार्श का तो होना चाहिए ना, किसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और जिसकी आवाज में वो गरज बरस हो। मैं अहलियाने गोले वाली, अहलियाने खुशाब, उस वक्त अहलियाने NA69, अब अहलियाने 93, इन सब लोगों की बहुत ममनून हूं। इन्होंने मुझे बहुत पजीराई दी है, बे इंतहा पजीराई दी है, खुशाब के अंदर दी हुई पजीराई पूरे मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल लेवल्स पे मैंने देखी है। और ये मेरा वादा है आज यहां खड़े होके कि मेहनत इन चार इलेक्शनों में हमने की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला इलेक्शन है वो पीएमएलएन का है। और आप जब हमें मौका देंगे मेरे पैनल के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बहुत मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, एक दिन हमने जाया नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। और आज मुझे बड़ा फखर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के होते हुए सुमेरा मलिक ग्रुप आज भी एक बहुत मजबूत, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। और मैं ये बात भी आज यहां करना चाहती हूं कि हम हर महाज के लिए तैयार हैं, हमारे पास टाइम है, हमारा वर्कर कमिटेड है, हमारा वर्कर डेडिकेटेड है, और मेरे लीडरान इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल में से निकलने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला जब मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला उसके बाद जरूर जरूर आसानी देता है, और वो वक्त करीब है। इन्होंने जेलें काटी लेकिन इन पे के ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, एक ना अहल हुक्मरान बैठे हैं। और ये जो बजट मेरे भाइयों, करम इलाही साहब ने बजट के ऊपर बहुत सी बातें की, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि ये कहाँ का बजट पेश हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट हैव दिस मनी, पाकिस्तान के पास ये पैसे नहीं है कि ये सारा बजट जिसकी ये बात कर रहे हैं ये पूरा हो सके। और ये बात भी सही थी कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से
हमारे दिए गए हुए पैसे रुकवा दिए गए क्योंकि इलेक्शन के नजदीक आ चुके थे, तो ये उन्हीं से ये सड़कें और ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत कभी ये गवारा ना करती कि किसी और ने कोई चीज बनाई होती और मैं कहती है मैंने बनाई है। लेकिन ये हमारे मुखालफीन का कैलिबर है, ये उनकी पर्सनालिटीज हैं, ये उनकी जात की बात है। उनके पार्टी वर्कर्स उनको इसी तरह देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे। लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला NA93 की शान और शौकत को बरकरार रखना है, हमने NA93 को कामयाब करना है। और उसके लिए जो इकदाम हमने उठाने हैं हम अभी से उठा रहे हैं। सुमेरा मलिक के साथ दो मजबूत तरीन MPA इस वक्त मौजूद है और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी जो मुझे वोट डालेगा वो करम इलाही को भी वोट डालेगा, जो मुझे वोट डालेगा वो आसिफ भाई को भी वोट डालेगा। हमारे वोट बराबर होके ऊपर जाएंगे और ये नया सियासी कल्चर है, ये गड़बड़ वाला और चीटिंग वाला सियासी कल्चर मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी नई पौध है, जो हमारा यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो PMLN के यूथ के वर्कर हैं, वो इन चीजों से पाक होके आगे निकले। जो हमारी अगली जनरेशन इलेक्शन लड़ेंगी वो इन चीजों से पाक हो, उनके लिए माहौल हो कि नहीं हो, अग्री करे ना, जरा ताड़ी बजा के बताओ और जोर से ताकि पता चले। ये हम लोगों की पर्सनालिटी पे धब्बा है कि मैं कहूँ मुझे वोट दे दो और मेरे MPA को ना दो। नहीं, मेरे MPA को पहले दो वोट और फिर मुझे दो। सुमेरा मलिक जिंदाबाद, सुमेरा मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, हमारी पार्टी के अंदर ये फैसला है कि जो टिकट होल्डर्स है इंशाल्लाह ताला टिकट उन्हीं को ही मिलेगी। हम इसकी हिमायत करते हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी कुर्बानियां हैं, वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, वो PMLN के वर्कर होके हर जगह पहुंचते हैं, अपने लीडरान की हौसला अफजाई करते हैं। इसलिए इंशाल्लाह ताला इसमें मैं नहीं चाहती कि कोई भी तब्दीली आए। हम इसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे जैसे हैं, लेकिन नेक नियति से, और जो मुझे वोट देगा इनको भी वोट देगा, आसिफ भाई को भी वोट देगा इंशाल्लाह ताला। ये नया कल्चर आप 2023 में इंशाल्लाह ताला कायम करेंगे। ये कौन कायम करेगा? हमारा वोटर कायम करेगा। हमारा वोटर दिखाएगा कि वो एक बड़ा आदमी है, वो एक बड़ी औरत है, वो दूरंदेश है, उसकी विजन है, उसको पता है कि अगर ये गड़बड़ हुई तो PMLN का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी क्यादत का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हर एक सीट जो हम अपनी क्यादत को, मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, हम एक एक सीट पूरे पाकिस्तान से दिलवाए, कहीं नुकसान ना हो। और जो नुकसान की सोच रखने वाले थे तो फिर वो कहां गए? ये सब अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और हमारी राहें साफ हैं और हमारी राहें इकट्ठी हैं। आज आप लोगों ने हमें मौका दिया, बात सुनी, शायद बात लंबी भी हो गई,
लेकिन ये कहना जरूरी था, ये कल्चर शुरू करना जरूरी है। आज से गोलेवाली से शौकत खान के घर से हम ये कल्चर शुरू करेंगे, इसका एहद करो। क्योंकि कौमें वही हैं, कौमें वही बनती हैं जो सच्चाई पे चलती हैं, जो सच को मानती हैं, जो सच को मानती हैं, जो ब्रेव को मानती हैं, जो आगे जाना जानती हैं, अपने लिए तरक्की को अपने हाथ में पकड़ना जानती हैं। इंशाल्लाह ताला आप सब उन कौमों में से हैं और आप इसका फैसला अगले इलेक्शन में दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नवाबजादी मोहतरमा सुमेरा मलिक साहब अपने ख्याल